हेलो एंड वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इंडिया इज़ यूजिंग 50th फ्रीक्वेंसी व्हाइल यूएसए 60th। यूएसए, चाइना जितने भी कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम कंट्रीज 60th फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं अपने एसी करंट के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन इंडिया अभी भी 50th को यूज़ कर रहा है। ऐसा क्यों है? तो जानते पहले इस चीज़ के बारे में, इसके बाद हम लोग जानेंगे इस चीज़ के बारे में भी कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है इंडिया को या फिर क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहले हुआ ऐसा कि इंडियन पावर सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? ये एस्टैब्लिश किया गया है 10 नवंबर 1897 में हमारा सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट लगा था दार्जिलिंग में, जो कि 50th फ्रीक्वेंसी पे लगा था। ये 50th फ्रीक्वेंसी पे क्यों लगा था, ये 60th पे क्यों नहीं लगा? ये 50th पे इसलिए लगा था क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स जो थे वो ब्रिटेन में 50th फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे थे, जो कि अभी भी ब्रिटेन में 50th फ्रीक्वेंसी को ही यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है, वो यूज़ कर रहे थे तो क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोगों ने 60th क्यों नहीं किया? जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो हमें 60th करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? हुआ ऐसा कि लेटरली हम लोग अडॉप्ट कर लिए 50th फ्रीक्वेंसी को और उसी पे काम करते रहे, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डिज़ाइन था 1897 टू 1947 तक, जो ब्रिटिशर्स जब तक यहाँ पे रहे तब तक जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारे के सारे 50Hz के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए थे। और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना बहुत ही ह्यूज कॉस्ट लगा सकता था। आपको पता है एक एक पावर प्लांट का कितना कॉस्ट लगता है, करोड़ों के अरबों में पैसे लगते हैं एक एक पावर प्लांट को लगाने में। इसके बाद पावर ग्रिड्स होते हैं, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए हमने उसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इससे क्या हमें कोई नुकसान हो रहा है? जी नहीं, नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो हमें जानना होगा कि क्या एडवांटेज हो रहा है 50Hz को यूज़ करने से, फिर हम लोग देखेंगे कि कोई फ़ायदा हो रहा है तो इसके साथ हमें कोई नुकसान भी ज़रूर हो रहा होगा, वो नुकसान क्या है। तो फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा इस तरह से हो रहा है, हम लोग जानते हैं जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो होता है 2πfL के इक्वल, जबकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो होता है 1/2πfC के इक्वल, और जो टोटल इम्पीडेंस होता है इसी सर्किट का वो होता है हमारा √R² + XL − XC का होल स्क्वायर। अब इंडिया में यदि देखें या फिर किसी भी कंट्री में देखें तो मैक्सिमम लोड जो होता है वो इंडक्टिव लोड होता है। आप अपने आसपास देखिए, आपका फ़ैन चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, हमारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बड़े बड़े मोटर्स चल रहे हैं, वो सारे के सारे इंडक्टिव लोड हैं। हमारे पास कैपेसिटिव लोड बहुत कम होता है, आइदर हमारे पास इंडक्टिव लोड होता है या फिर रेजिस्टिव लोड होता है, सबसे ज़्यादा तो इंडक्टिव लोड ही होता है। तो इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड में यदि हमारा फ्रीक्वेंसी कम होता है तो ओवरऑल हमारा एक्सेल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो कम हो जाएगा, और यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है तो हमारा ओवरऑल जेड रिड्यूस कर जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारा टोटल इम्पीडेंस कम हो जाता है, और टोटल इम्पीडेंस यदि कम हो जाता है जो हमारा एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी को सेव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या इससे हमें कोई नुकसान भी हो रहा है? तो नुकसान बस हम इतना कह सकते हैं कि जो मेजर इकोनॉमी हब हैं, जहाँ पे मेजरली सारे इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस बनते हैं, उस जगह पर अभी 60Hz यूज होता है, जो कि आपका चाइना है, जापान है या फिर आपका USA है, ये सारे कंट्रीज 60Hz को यूज़ करते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग पहले सामान को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि वो इसके लिए 50Hz फ्रीक्वेंसी का सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, वो बड़े आसानी से 50Hz और 60Hz दोनों पे ऑपरेट होने वाले अप्लायंसेस डिज़ाइन करते हैं, ताकि वो अप्लायंसेस अदर कंट्रीज़ में भी यूज़ किए जा सके और उनके अपने कंट्री में भी यूज़ किए जा सके। अभी भी 50Hz फ्रीक्वेंसी बहुत सारे कंट्री यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ब्रिटेन में यूज़ हो रहा है, इंडिया यूज़ कर रहा है, बांग्लादेश यूज़ करता है, पाकिस्तान यूज़ करता है, जिसके पास जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी यूज़ हो रहा है। तो बस इससे हमें इतना ही एडवांटेज मिल रहा है, और यही रीज़न था कि हमने 50Hz फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट कर लिया। ओके, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएँ।